अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हरसिंगार के फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी देखभाल कैसे करें, इसको कैसी मिट्टी में लगाएं और इसको क्या फर्टिलाइज़र दें। हमने जो दिया है फ्रेंड्स, आपसे शेयर करेंगे। मेरे यहाँ क्यारी में बहुत ही बड़ा से प्लांट्स था फ्रेंड, बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती थी, तो उसको काट दिया बहुत था ही फ्रेंड्स। वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो ज़्यादा गया था। फ्लावर पूरे बिछ जाते थे फर्श पे। ये तो कुछ ही हो रहे हैं अभी, ऐसे ही 4-5 फ्लावरिंग होती है रोज़, और वो सुबह गिर जाते हैं फ्रेंड्स। ये शाम के टाइम ये खिलते हैं, रात में खिलते हैं और सुबह ही सूरज की पहली किरण पड़ती है, बस गिर जाते हैं फ्रेंड्स ये और इसमें खुशबू सारे बहुत फर्श पे। ज़्यादा तो होती है। इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन, बहुत ही अच्छी बनाएं। ये प्लांट एक बार ले आएंगे अपने गार्डन में फ्रेंड्स, तो ये कई सालों तक रहता है हमारे गार्डन में, और इसके बीज जो बन जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, वो उन बीजों से बहुत सारे प्लांट्स बनते रहते हैं कि हम जो है और भी प्लांट लगा सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं प्लांट्स बना के। तो इसमें ऐसे कोई डंडा या कोई चीज़ लगा दें सहारे के लिए प्लांट्स में, गमले में जब हो तो उससे बड़ा से प्लांट्स हो जाता है तो इधर उधर होने लगता है, गिरने लगता है, तो ऐसे डंडे से लकड़ी से सहारा दे दें तो अच्छा रहता है। और इसकी पत्तियां जो येलो होने लगती हैं तो उसको निकाल देंगे, तो इससे हरे भरे प्लांट्स अच्छे से दिखेंगे, साफ सुथरे। और इसमें फ्लावरिंग होती है विंटर में, ये नवंबर में हो जाती है अक्टूबर में फ्रेंड्स, और अक्टूबर में आ जाती हैं इस पे कलियाँ और नवंबर तक हो जाती है। हमारे में थोड़ी लेट आई हैं क्योंकि हमने लेट में ही फर्टिलाइज़र दिया था, तो इसमें वही बनाना पील्स लिक्विड फर्टिलाइज़र और DAP के कुछ दाने दिए थे, और और थोड़ी गोबर की वही खाद चाय की दी पत्ती थी। बहुत ही अच्छी होती है इसके लिए, वो दिया था फ्रेंड्स। और इसको पूरे दिन की धूप चाहिए, इसको पूरे दिन की धूप में रखें, और इसमें फर्टिलाइज़र अक्टूबर में ही अच्छे से दे दें, सितंबर अक्टूबर में, और इसकी कटिंग करते रहें कि अच्छे से ग्रोथ ले। और ये फ्रेंड जो हम सीड निकाल रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये 4 o'clock का प्लांट्स है, फ्लावर का, इसे गुले अब्बास भी कहते हैं। तो इसकी बीज बन जाती है फ्लावरिंग के बाद, पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, तो इसको फिर हम दोबारा लगा सकते हैं अगले सीजन में। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।